मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर चुनाव करने के मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया है। शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित श्री प्रकाश शर्मा एवं प्रवक्ता विजय चौकसे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से माननीय न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं आती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निरस्त किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में बात सही तरीके से नहीं रख सकी। आरक्षण निरस्त होने के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की रही है। कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखेगी और ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का भाजपा षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होने देगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमारे पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं सेल है हमारे यहाँ उसकी हमारी महिला पिछड़ा वर्ग की अध्यक्ष हैं शिवानी राठौर। ये बताओ शिवानी क्या कहो। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया जिसमें पिछड़ा वर्ग की रिजर्वेशन को पंचायती चुनाव में खत्म करने की बात की गई, इस फैसले के मैं समझती हूँ कि जितना भी पिछड़ा वर्ग है सभी इसके विरोध में है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को जो हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उन्होंने 27% रिजर्वेशन हर क्षेत्र में दिलाने का माननीय कमलनाथ जी ने वादा किया है और उन्होंने वो दिलाने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन वर्तमान की जो भाजपा सरकार है वो उस रिजर्वेशन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, हर क्षेत्र से खत्म करना चाहती है। और रिजर्वेशन की मैं बात करूँ पिछले वर्ग की और अन्य वर्गों को भी जो रिजर्वेशन दिया जाता है भाजपा सरकार उसको तरीके से ख़त्म करने का काम कर रही है। एक तरीके से तो वो निजीकरण की ओर जा रही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि निजीकरण की ओर जब कोई सरकार बढ़ती है और अति की ओर जब सरकार बढ़ रही है तो निजीकरण में आप किसी व्यक्ति जो प्राइवेट फर्म है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।